दोस्तों, अगर आपसे कोई इंग्लिश में चैट करता है और आपको इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आपसे कोई इंग्लिश में बात करना चाहता है तो आप उसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं और उसका मतलब भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे इंग्लिश में मैसेज आया हुआ है। अगर यहाँ पर आपको भी इस तरह से कोई मैसेज करता है इंग्लिश में, तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसका मतलब क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आपको इनबॉक्स में रहकर ही काफ़ी आसानी से आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं और ना ही आपको कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं करना क्या है, इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड किस तरह से, ये मैं आपको अभी अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, बस ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए मैं करना क्या है, यहाँ पर इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जी बोर्ड का, तो देख सकते हैं इस पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से ये इंटरफेस हमारे सामने शो होने लगेगा। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद अब हम चलते हैं वापस से उसके इनबॉक्स में, जो भी हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है उसके इनबॉक्स में हम चले जाएंगे। जाने के बाद दोस्तों ये मैसेज हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लेंगे। तो आप कहोगे कि कॉपी पेस्ट का मतलब मैं मना कर रहा था और कॉपी करवाने की कह रहा हूँ, तो आपको यहाँ से इनबॉक्स में ही रहना है, कॉपी करके इनबॉक्स से बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पर इनबॉक्स में रहना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, इसको हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर ऐसे शो होने लगेगा ये, ठीक है। इस तरह से शो होने लगेगा तो ये देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्रांसलेट का, इस पर हम ओके करेंगे, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे इंग्लिश है तो यहाँ पर हम हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे, साइड में जो भी हमारी लैंग्वेज है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें भी हम इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं यहाँ पर हिंदी में इसको हम कर लेंगे। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे अब इसने इंग्लिश में मुझे मैसेज भेजा है तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको कॉपी करने के बाद, तो जैसे इधर इंग्लिश आ रहा है इधर हिंदी आ रहा है, तो मैं इसको इधर इंग्लिश कर लूँगा इधर हिंदी, ये जो बीच में आ रहा है इसको ओके करके, ठीक है। अभी देख सकते हैं इधर इंग्लिश आ चुका है इधर हिंदी, और वो जो मैंने मैसेज ये वाला कॉपी किया था, जो भी हमें मैसेज आया इंग्लिश में उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब आ जाएगा, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, इस तरह से मतलब उसका रिप्लाई यहाँ पर, उसका ट्रांसलेट यहाँ पर हो जाएगा कि आपसे इंग्लिश में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो उसको यहाँ से हम हटा देंगे। अब इसका जो भी हमें जवाब देना है वो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। अब आप कहोगे कि हम पर तो लिखना नहीं आता इंग्लिश में, तो उसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर हिंदी करना है। ये देख सकते हैं ये जो इंग्लिश आ रहा है इधर, अब हमें हिंदी कर देना है, क्योंकि जब हम मैसेज सेंड करेंगे तो अपनी तरफ हिंदी करेंगे उसकी तरफ इंग्लिश। तो ये देख सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा इसे ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैं इंग्लिश में ही टाइप करूँगा लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, ठीक है। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नीचे लिखा हिंदी में और यहाँ पर ऊपर इंग्लिश में आ रहा है, ओके आई विल टेल टू यू लेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, तो इसको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरह से हम इसको सेंड कर देंगे, हमने हिंदी में लिखा और इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से, ना तो आपको यहाँ से इनबॉक्स में बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको यहाँ से कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी बाहर जाकर। तो इनबॉक्स में ही रहकर आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं और किसी को भी मतलब जवाब दे सकते हैं इंग्लिश में। ज़रूरी नहीं कि मतलब आप पे इंग्लिश नहीं आती तो आप शर्मिंदा हो या आपको मतलब कंफ्यूज होना पड़े या परेशान होना पड़े कि क्या मतलब है इसका क्या नहीं, तो आप कितनी आसानी से इनबॉक्स में रहकर ही बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।